Good morning students, once again in the physics lecture. Last lecture we have studied about the resistance and resistivity. So today we will start with the discussion of resistance and resistivity. So the you are knowing that the resistance of the conductor depends on length, area of cross section. Okay, LA, what is it? Okay, and depth. Out of that, length and area of cross section is important because if we are changing that, accordingly the resistance. Resistance of the conductor will also change. तो देखते हैं क्या होगा. आप आपको ने formula दिया है R is rho into L upon A. Where rho is called as rho is called as resistivity of the conductor. तो बेटा resistivity important topic. Resistivity is constant for each material, but it varies from material to material. Are you getting a point? जो material है उसके लिए iron लिया तो सब iron का resistivity same है. Copper लिया तो सब copper का resistivity same है. हाँ, ये लिया आपने, nichrome लिया, उसका भी resistivity higher रहेगा, लेकिन सब के लिए same रहेगा. लेकिन अगर आप nichrome लेते हैं, बाद में copper के लिए जाते हैं, तो resistivity vary करेगा. तो resistivity is constant for given material, but resistivity varies from material to material. This is very important. दूसरा material लिया तो उसके लिए उसका resistivity अलग है. लेकिन किसी सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट है. तो इंपॉर्टेंट क्या लिखा था, फॉर अ गिवन मटेरियल हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए इंप्लाइज R इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, दैट इज R is proportional to L and R is proportional to 1 by A. So, if length is increased, then R will also increase. But if area is increased, then R will decrease. Say, और दूसरा क्वेश्चन है क्या, if length decrease किया, R decrease करेगा. If area decrease किया, लेकिन ये कंबाइन तो कंबाइन इफेक्ट लेने में अब हम क्या है पढ़ेगा, तो कंबाइन इफेक्ट के लिए हम इस तरह किसी भी आर वन आर टू इज इक्वल टू हाँ एल वन इक्वल टू वन एल टू ए समझ गए. सो आई सजेस्ट यू टू पुट दिस डाउन. तो हमने अभी सी क्या है, वी हैव सी हाउ द रेजिस्टिविटी. इसमें दो केस कौन कौन से हैं, एक तो कंडक्टर को हमने स्ट्रेच कर दिया और कॉम्प्रेस कर, ओके कंडक्टर को स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेस केस वन. स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेस it will impact on the resistance of the conductor that we have studied. अगर उसको stretch किया नहीं तो उसको compress किया तो वो कैसे अपना resistance पे resistance के साथ vary करेगा. वो stretch किया मतलब क्या है, ये आपका conductor तो क्या होता है, ठीक से पढ़ लीजिए, ये है area of cross section A, ये है length. तो यहाँ
लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेचिंग में क्या होगा, स्ट्रेचिंग में L will increase and A will decrease, ऐसा हो जाएगा ना। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा थोड़ा सा उसका एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है बराबर। और एरिया विल डिक्रीज एंड L विल इंक्रीज, सही कह रहा है। अगर मैंने उसको कॉम्प्रेस किया मतलब एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, कॉम्प्रेसिंग कॉम्प्रेसिंग में क्या करेंगे, लेंथ डिक्रीज हो जाएगा एंड एरिया बढ़ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे अपन को मालूम है R is proportional to L upon A, बराबर। तो पहला देखते हैं stretched to n times, stretched to n times मतलब final length will be n into initial length, बढ़ जाएगा लेकिन एरिया की मूर्ति उतनी ही टर्म में कम हो जाएगा। a1 अपॉन अगर स्ट्रेच करें तो कॉम्प्रेस करें तो ये ऐसा, ये क्यों हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम लास्ट में विल बी कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। तो क्या लिख सकता हूँ, a l इज कॉन्स्टेंट, मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, दैट इज if length is increased area will decrease stretching, बराबर ना। तो यहाँ पे इसको हम एक बाजू पे रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, a2 is equal to n l1 a n, so a2 is equal to a1 by a1। तो अभी r1 upon r2 कितना हो जाएगा, r1 upon r2 l1 a2 upon l2 a1, इसको कंप्लीट करते हैं। L1 L L1 को कितना रखेंगे, A2 A2 कितना रखेंगे, A1 by N, L2 को कितना रखेंगे, N L2 N L1 और A1 को A1 रखेंगे, बराबर। तो कितना आएगा, L1 A1 upon N square L1। तो हम क्या लिख सकते हैं, R2 is equal to n square R1। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें मिल गया, इसके बाद हमको इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या मिल गया, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू n square, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू n square, वेयर n इज द फैक्टर बाय व्हिच इज फैक्टर बाय व्हिच it is stretched and n का मतलब क्या रहेगा, factor by which it is stretched, जितने factor से उसको stretch किया वो factor by which रहा n। तो I suggest you to note this term, हो गया ठीक है। तो stretching form क्या हो गया, r is proportional to n square। अब इसे compress करने के बाद क्या, दो बी में कॉम्प्रेस करने के बाद क्या होगा, अगर कॉम्प्रेस ओके कॉम्प्रेस्ड टू एन टाइम्स, कॉम्प्रेस टू एन टाइम्स मतलब क्या हुआ, फाइनल लेंथ कम हो गया बराबर, एन टाइम्स वन बाय एन टाइम्स मतलब एरिया बढ़ जाएगा, a2 will be n a1 and l2 will be l1 upon n, बराबर। तो अगर मैं लिखूंगा r1 upon r2, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम l1 a2 upon l2 a1, l1 कितना है, l1 is equal to a2 n a1 divided by l2 कितना लिखेंगे, l1 by n और a2
टू बाय ए वन, ए वन को ए वन लिखेंगे, ये कट जाए, यहाँ पे भी आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर, सो आर टू विल बी आर वन अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ भी एन क्या है आपका फैक्टर, बीच फैक्टर बाय बीच इट इज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसके बाद आएगा एन इज इक्वल टू फैक्टर बाय विच इट इज कॉम्प्लेक्स, इसको लिख के रखो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, अगर कम किया अगर कम किया तो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे बड़ा है तो प्रोपोर्शनल टू वन बाय एन स्क्वायर, बराबर ठीक है। तो अभी डायरेक्टली उसका प्रॉब्लम देखने के लिए जाते हैं, ओके is triple
what will be the new resistance? Into मतलब two times, three times, half, one third जो आएगा वो आपको लिखना है. इसमें एडिंग न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ओवर टू लिखते हैं. ओवर टू में सपोज इफ द लेंथ ऑफ वायर इज made half, then what will be the new resistance? और एक बताऊँ आपको, वो थोड़ा सा critical है, उसका मैं नहीं देता हूँ आपको. If the length of the wire is increased by 20%, then what percentage the resistance will change? For the number number four, और इसके ऊपर डिपेंड आपको ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके दी है. इसके ऊपर डिपेंड एक प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करके दे दूंगा. Then you will not be facing any problem. If the length of the wire is increased by 50%, then what percent the resistance will change? So I suggest you for the down chart problem again. Problem number one, problem two, problem three, problem four. So I suggest you note this down. आज का और आज ही complete करने का practice करो. और हम क्या कर रहे हैं? इसमें से एक percentage का आपका थोड़ा सा अलग सा है. आपके लिए प्रॉब्लम नंबर टू, इसको देख के आप ये प्रॉब्लम को सबको सॉल्व. तो मैं आपके लिए प्रॉब्लम था प्रॉब्लम नंबर टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट, देन what percentage the resistance will change? बराबर ठीक है. तो क्या करेंगे? length of the wire is increased by x. तो new length is equal to old length plus x percent of new length. उसका x percent बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? L1 x percent मतलब x bar 100 into L1. इसको अगर हमने split किया क्या हो जाएगा? L1 plus 0.0x L1. तो L2 कितना आ जाएगा? 1.0x L1. ये x आप कौन सा भी value डाल सकते हैं. When x is any value of percentage. This is the general method of this. क्या होता है बेटा? इसको एक general method से solve करना है. तो ये हो जाएगा value is 1.0x L. मतलब मेरा n कितना बन गया? अभी समझ गए? तो मेरा n बन गया 1.0x बराबर. तो r is proportional to n square. तो क्या मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ? R2 by R1 is equal to 1.0x bracket square. समझ गए? R2 by R1 is 1.0x bracket square. अब यहाँ पे 10% लिखा है, बराबर ना? तो 10% लिखा तो यहाँ पे 10 लिखूँगा, मतलब यहाँ पे x कितना आएगा?
1.1 आएगा बराबर, अरे सर 1.1। ओके तो यहाँ पे 0.0x अगर सिंगल है तो यहाँ पे आएगा, x डबल है ऑफ कोर्स 1.x बराबर। तो ये 1.0x मतलब इसका मतलब क्या है, 1 प्लस x परसेंट, तो अगर ये 2 परसेंट होगा तो x 2 लिखा तो 1.0, x 20 लिखा 1.1, x 40 लिखा तो 1.4 है। Understood? So I suggest you to note this down and then we will go for the next one. Okay. Okay, beta. ठीक है, ये homework हमने किया, लिख लिया। ठीक है, अभी जाते हैं आगे, आगे। आगे हम इस तरफ पे ये type के problem थोड़ा सा solve करना try करते हैं, है ना? और इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे आ सकता है तो वो देखते हैं। तो बेटा प्रॉब्लम थी, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज increased by 30%, then what will be percentage increase in its resistance? The question is, length in the name of 30%, बराबर तुम्हें क्या लिखूंगा, a2 is equal to l1 plus 30% of l1, तो a2 डायरेक्टली किसे लिख सकता हूं, 30% में 0.3, तो a2 बन जाएगा 1.3 l1, therefore n कितना हो जाएगा 1.3, तो r कितना हो जाएगा, r proportional to n square, तो मैं क्या लिख सकता हूं, r2 by r1 is equal to 1.3 bracket square. So 13 का square, 13 का square में 169 ना, हाँ ना है ना, नाम लिख सकते हो बराबर, हाँ 169 ना, हाँ yes 169 perfect, तो 1.69 आएगा, 1.69 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आगे important है, आगे आगे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेरे को मालूम है आपको ये लेक्चर को मिनिमम 3-4 टाइम्स देखना पड़ेगा तो आपको ये समझेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या लिखता हूँ, R2 इज इक्वल टू 1.69 R, थोड़ा इसको फिर से स्प्लिट करेंगे, जैसे मैंने इसको स्प्लिट किया वैसे इसको स्प्लिट करने का ट्राई करो, अभी उल्टा करते हैं, देखो अभी कैसे लिख सकता हूँ, R2 इज इक्वल टू 1.69 मतलब 1 प्लस 0.69, तो R1 प्लस 0.69 R1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 0.69 मतलब 69/100 R1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैंने ऐसे किया क्या मैं लिख सकता हूँ, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 69% ऑफ R1, देयरफॉर रेजिस्टेंस increase kita by 69%. So I suggest you to note this down. इसके बाद में और एक प्रॉब्लम आपके लिए देते हैं। तो होगा ये बेटा। तो और एक प्रॉब्लम चाहिए। होगा ये मिसिंग चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 4. If area of cross section of a wire is decreased by 20%, then what will be its new resistance? कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, एकदम सिंपल है,
area is increased. मतलब A2 is equal to A1 plus 20% of A1, बराबर. वेट करोगे. ओके, तो मतलब कितना हो गया? A2 will be A1 plus 0.2 A1, मतलब A2 कितना हो जाएगा? 1.2 A1, मतलब डिक्रीज कर दिया माइनस, सॉरी ये माइनस है क्या? तो ये कितना आएगा? A1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 A1, तो A2 0.8 A1 मिल गया, तो 1 by N 0.8 मिल गया, बराबर. तो A2 upon A1 मिलेगा 8 by 10. तो L2 upon A1 कितना मिलेगा? L2 upon A1 इससे उल्टा 8 by 8, that is 5 by 4. तुम क्या लिख सकते हो? मैं लिख सकता हूँ L2 is equal to 5 by 4 ना, मतलब 4 by 4 और उधर 1.25 L1. क्या लिख सकता हूँ? L1 plus 25% of L1 बन गया. तो अगर 25% मतलब length is increased by 25%, समझ गए बेटा? क्या 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 देखो, if area of cross section of a wire is decreased by 20%, then what will be its new resistance? Area of cross section मैंने decrease by 20%, तो मेरे को मिल गया 8 by 8 by 10. तो L2 by L1 कुछ कम हो जाएगा 10 by 8, so 5 by 4 is 1.25. इससे मैंने क्या किया? L2 is equal to 1.25 L1. तो L2 को मैंने 1.25 को स्प्लिट किया, 1 plus 0.25 मतलब 25%. तो L is equal to 25%. तो अभी हम लोगों ने क्या किया? N is equal to 25, बराबर. N is equal to 25, बराबर. 25 मतलब 0.25, यहाँ पे 1.3. तो n निकाल दे, मतलब ये ऐसे ही है. इसको L2 is equal to 1.25 L. तो n निकाल दे 0.25. इसमें से ये जो बात है ये आपका x 0.25. Therefore R2 upon R1 will be 0.25 brackets के 6.25 बन जाएगा. R2 is 6.25, बराबर. तो R2 is 6.25, नहीं ना, 6.25 नहीं आएगा, 1.25. तो 1.25 का स्क्वायर कितना आएगा? इतना करो, लेकिन 1.25, समझ गए बेटा? ओके, तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड विद द रेजिस्टिविटी. तो अभी क्या करें, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी का प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट रहता है, वो भी मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है. तो अगर किसी भी कंडक्टर का length or areas of cross section, so important resistivity of a given material is always constant. Therefore resistivity never changes on increasing or decreasing, on increasing or decreasing length of the conductor, length or area.
that is rho is equal to constant for given material. Given material is what? And rho, in that case, rho is independent of L and A. ये क्यों आपको देके रखा? कभी कभी आपको फंसाने के लिए वो बहुत सारा देती है, 20% इंक्रीज किया, ये डिक्रीज किया, तो अभी रेजिस्टिविटी क्या बन जाएगा? तो आप सब पूरा कैलकुलेशन करके ये समझता है, आंसर लिखते हो एग्जाम में ऑप्शन बी जीरो, रेजिस्टिविटी भी 30%, बाद में दिखता है आंसर गलत है। क्यों गलत आ गया? लॉजिक यूज करके। लॉजिक क्या है? रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के लिए, चाहे वो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, बड़ा वाला, मतलब एक बड़ा वाला मैंने एक कॉपर का ये कर दिया, बड़ा वाला एक सिलेंडर बन गया, उसका जो रेजिस्टिविटी हुआ वही रेजिस्टिविटी आपका अगर छोटा सा कॉपर का वायर है उसके लिए भी सेम। तो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ यूर कंडक्टर टिल वी आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज किया आपने, मटेरियल चेंज किया तो पक्का आपका रेजिस्टिविटी भी चेंज हो ही जाएगा। Getting my point? तो बड़े ये सब आपने सीखा है, ये स्ट्रेचिंग के लिए सीखा है, इसके लिए स्ट्रेचिंग। लेकिन अभी अगर कट किया, अभी अगर कट किया कटिंग वायर इनटू पार्ट्स, कटिंग वायर इनटू पार्ट्स, तो ये पहले वाला वायर था जिसका ये लेंथ L था, ये ऑफ कंस्टेंट A। अभी इसको मैंने दो पार्ट में कट किया, दो पार्ट में कट किया, इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट में कट किया, कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये क्या किया इसको कट किया टू इक्वल, ये बन जाएगा L बाय टू, ये L बाय टू, ये तो ये तो सो एल ग्रीन चेंज एल चेंज ए ग्रीन नॉट चेंज, समझ गए? एल ग्रीन चेंज ए ग्रीन नॉट चेंज, बराबर। तो इसका पार्ट क्या होता है जो ना, हाँ तो सो न्यू रेजिस्टेंस of each part. तो suppose ये L, ये A, और इसका resistance R, और इसका resistance को कहते हैं R1, इसका resistance को कहते हैं R1. तो कैसे करेंगे? A dash is equal to L by 2, A dash is equal to A, change नहीं हो, तो R dash, इसका R dash, R dash will be question. तो वैसे कैसे करेंगे? R dash upon R, R dash का फॉर्मूला क्या है? Rho into L upon A is A dash upon A dash multiplied by 1 bar rho into L upon A. तो कैसे आएगा? R dash upon R, इसको सिंपल करो, सिंपलीफाई करो, तो क्या हो जाएगा? L dash A upon L A dash. हाँ, लेकिन ए और डैश सेम है ना, एल ए और डैश सेम, तो ये कैंसिल, तो बनेगा एल डैश अपॉन एल, तो एल डैश कितना है बाय टू, सो आर डैश अपॉन आर इज एल डैश एल बाय टू अपॉन एल, ये कैंसिल हो जाएगा, आर डैश अपॉन आर कितना बनेगा का 1/2, देयरफॉर आर डैश विल बी आर बाय टू। मतलब जितना जितना पार्ट करोगे, जितना लेंथ कम हो जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बराबर। आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, इसके बाद हम इसका जनरल करेंगे। हो गया बेटा? अभी लिखो, अगर n इक्वल पार्ट में रेजिस्टेंस कंडक्टर को वायर को कट किया, वायर इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स,
अगर वायर को हमने n इक्वल पार्ट्स में कट किया तो ये l है, ये a, तो रेजिस्टेंस कितना है r। देखो बेटा, अभी अगर वायर को दो पार्ट में कट किया तो क्या बनता है, l by 2 बनेगा। तीन पार्ट में किया तो l by 3, l by 3, l by 3, बराबर। चार पार्ट में किया तो l by 4, l by 4, l by 4, l by 4। तो इन जनरल अगर उसको n पार्ट में कट किया तो ऑफ कोर्स एक पार्ट का वैल्यू कितना है, l by n आएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट अगर मैंने किए हैं n नंबर ऑफ पार्ट्स, एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, तो एक पार्ट को अगर मैंने दिया एरिया को a ही रहेगा, एरिया विल बी कांस्टेंट, और ये पार्ट का लेंथ रहेगा l by n एंड l dash is equal to l by n। ओके, तो ऑफ कोर्स r डैश विल बी r by n। तो अभी कुछ प्रॉब्लम है, तीन पार्ट में कट किया तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय 3। चार पार्ट में कट किया तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय 4। पांच पार्ट में कट किया, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो इसका भी एक होमवर्क ले लो, होमवर्क 5, इफ द वायर इज वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स देन what will be the resistance of each part। तो यहाँ पे कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, 20 ओम का है उसको चार में डिवाइड करो, एक का आंसर आएगा, आंसर आपको डायरेक्ट लिख के देता हूँ, आंसर आएगा 5 ओम आंसर आएगा। समझ गए बेटा, तो इन दिस वे we can solve the problems related with the resistivity of a conductor. Understood? Okay. At the resistance of a conductor. So I will suggest you to solve all the homework, all the problems which I have given. Okay? So ये part आपका foundation में आता है, ज़्यादा आपके इसमें board में ज़्यादा इसका कुछ पूछते नहीं है, लेकिन this will be becoming very important for your 12th class also. तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा summarize करते हैं। summarize करने में आपको हमने क्या बोला, पहले resistance of the material depends on length, area of cross section and material temperature. resistivity also depends on the material. resistivity depends on material and temperature. बराबर, तो resistance किसकी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल ऑफ कोर्स एंड टेम्परेचर ऑल्सो, और रेजिस्टिविटी ओनली मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या बोला मैं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये कितनी बार बोल दे रहा हूँ, चौथी पांचवी बार, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, चार चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें से हम एल ए का चेक, और रेजिस्टिविटी अभी आपको पता है, मैंने क्या बताया मैं आपको, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल है टेम्परेचर, इसको बोलते हैं डिपेंडेंस। तो अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया आपका रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज किया तो भी रेजिस्टिविटी चेंज हो गया। ये आर के लिए और ये रो के लिए, आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। और अभी आपको क्या सीखा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर का स्ट्रेचिंग एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू एन का कटिंग,
जब हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी हाफ जाएगा, फोर टाइम्स। अगर कंडक्टर बढ़ा है उसी लेंथ का कंडक्टर, उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर, खाली उसका लेंथ अगर अपन ने इंक्रीज किया, इंक्रीज द लेंथ, देन व्हाट विल हैपन, इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो बेटा ख्याल रखो थोड़ा सा, ठीक से कैसे हम उसको लिख सकते हैं उसका भी थोड़ा सा आइडिया ले लो। सब प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैंने कंटिन्यूटी में आपको प्रॉब्लम देने का ट्राई किया है। इसके बाद हम आगे जाएंगे सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब सीरीज कैसे करते हैं, पैरेलल कैसे करते हैं, मिक्स ग्रुपिंग कैसे करते हैं, वो भी सिखाएंगे हम आपको, वो प्रॉब्लम नहीं है। सो टुडे यू हैव टू प्रैक्टिस वेल ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाट एवर आई हैव गिवन यू, दोज फोर होमवर्क्स, दिस इज फिफ्थ होमवर्क, सो फाइव प्रॉब्लम्स टुडे यू हैव टू सॉल्व एट एनी कॉस्ट। सो टुमारो अगेन वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ and stay tuned with physics. Happy learning. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye.